जिला कोडरमा प्रखंड मरकच्चो के अंतर्गत बेको डगरनवा गांव में 2012 से कुप बनना शुरू हुआ है। पंचायत सेवा के लापरवाही के कारण अभी तक कुप अधूरा है। सुरेश यादव के अलावे 5 लोगों का कुप अधूरा है। आइए आपको मैं बेको डगरनवा ले चलती हूँ। ये जो कुआं आपका अधूरा है, कब से बनाना शुरू किए और अधूरा क्यों पड़ा है? आज 2 साल हो गया अधूरा पड़ा है, इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है हम लोग को। मैंने आपको क्या कहते हैं, 81,000 रुपया मिला, उसमें से जो काट लिया कमीशन, बाकी बाद उसी में से कमीशन भी है, उसमें से मैंने जो है सो कि फिर पैसा जब बंद हो गया तो फिर हम लोग जो है सो कि बंद कर दिए। गरीब आदमी क्या करेंगे, हम लोग कमा के। कितना कमीशन काटता है? कमीशन तो काट लिया है, देखिए अगर 22,000 लाए तो काट लिया 2,500, और 20,000 लिए तो पर भी उतना ही काटता है। तो आखिर मान लीजिए जिस दिन हम 18,000 लिए, उस दिन वो क्या किया कि एक चेक पर साइन करवा लिया, 50,000 का एक अलग चेक में साइन करवा लिया और दिया डाल वहाँ पर बैंक में। बरसात में कुआं धंस रहा है और समुदाय के लोगों को नदी का गंदा पानी पीना पड़ रहा है। इस गांव के लगभग 400 लोग निवासी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं यह वीडियो इसलिए बनाई हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का घोर उल्लंघन हो रही है। इसकी कुल राशि 1,67,000 है। ग्रामीणों का कहना है कि 10% हम लोग को काट कर दिया जाता है। अतः आप सभी दर्शकों से विनम्र अपील करती हूँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी का नंबर स्क्रीन पर दिए गए पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि जल्द से जल्द बचे हुए राशि का भुगतान हो और कुप निर्माण पूर्ण हो सके, ताकि ग्रामीणों को साफ और स्वच्छ पानी मिल सके। मैं डिम्पी देवी, जिला कोडरमा से झारखंड, इंडिया अनहट के लिए।